राजस्थान की राजनीति को अगर कालखंड में विभाजित करें तो ये सुखाड़िया जी के बाद में सबसे प्रभावी कालखंड है, जिसमें अशोक गहलोत की सदारत में कांग्रेस बनी, अशोक गहलोत की सदारत में सरकार बनी, कांग्रेस वापस खड़ी हुई, वरना एक वक्त में कांग्रेस के जनसंगठन सारे कागजी हो गए थे। जब आया इन्होंने जनसंगठनों को वापस बनाया तो पहली बार 156 की संख्या में विधानसभा में 200 के अंदर 156 विधायक इलेक्ट होकर के आए और इन्होंने कांग्रेस को अपने होने का एहसास कराया। लेकिन साथ साथ में जो ओल्डीज थे, जो पुरानी मनस्थिति के जो लीडर थे, जो एक वक्त में सिंडिकेट इंडिकेट के रूप में जाने जाते थे और वही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं नज़र आती थी, उन्होंने इनको आसानी से स्वीकार नहीं किया। लेकिन इन्होंने अपनी खास किस्म की सामाजिक व्यवस्था बिठाते हुए, यानी हर कम्युनिटी का एक नौजवान ओल्डीज़ के उसमें से ही बाहर निकाल कर जो संगठन बनाए हैं सातों संभागों में, उसका नतीजा ये हुआ कि इनका हर कम्युनिटी में दखल हो गया, चाहे राजपूत कम्युनिटी हो, चाहे जाट कम्युनिटी हो, चाहे मीणा कम्युनिटी हो, चाहे कम्युनिटी हो, ये सारे लोग फिर इनके साथ में रैली राउंड हुए। ये सब होने के साथ में फिर दूसरा एक जो दिक्कत वाला दृश्य बना, अभी जो लेटेस्ट कोविड जैसा मामला जो सामने आया, उसमें सुशासन से कैसे बाजी मारी जा सकती है, उसकी तारीफ तो देश के प्रधानमंत्री ने भी की है। तो अपने विरोधियों को भी शिकस्त देते हुए, शासन को बेहतर चलाते हुए, ये अशोक गहलोत की उपलब्धि रही। लेकिन कभी भी आराम से शासन करने का सिलसिला इन्हें नहीं मिला, जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत को मिला, हरदेव जोशी को मिला, या मोहनलाल सुखाड़िया को मिला, या वसुंधरा जी को भी मिला, लेकिन इनको नहीं मिला। इनको हर बार संघर्ष ही करना पड़ा, अपना गठबंधन बनाना पड़ा, अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए हर आजमाइश से गुजरना पड़ा। और मुझे लगता है कि इस तरह के दौर से ऐसा दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गुजरा। हाँ, बिगनिंग में टीकाराम पालीवाल के साथ में ऐसा जरूर हुआ था कि पंडित नेहरू उनको नहीं चाहते थे और जयनारायण व्यास को चाहते थे, तो उनको स्थापित करने के लिए उनको दो बार बाहर निकलना पड़ा, फिर आना पड़ा। तो वैसा ही सिलसिला अशोक गहलोत के साथ में हो रहा है कि उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने इस वजूद को बना के रखा है। और मुझे लगता है ये जो आने वाला इलेक्शन है उसमें उनकी बात जो वो जो दावा कर रहे हैं, हो सकता है वो सच साबित हो जाए।